पढ़ गवार या कोई ने बोला तो वहाँ के बाहर को निर्णय चाहिए, पढ़ा लिखा हो, अच्छा समझदार हो, सबके हितों का ख्याल हो। क्योंकि हम कर्मचार जमा करते हैं, उसके बाद हॉल टैक्स जमा करते हैं, सब कमर सर 20 पूरा हवाला लिया जाता है, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो बता दी यही साफ सफाई का काम है, हम किसी का वही देखना चाहेंगे। आप तक कैसी साफ सफाई रही है पाँच सालों में? भी बेहतर ही रही है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिलोकपुरी में, दिल्ली के, जो कि वार्ड दो में आता है, वार्ड दो ई इसको कहा जाता है। और यहां इस वक्त हम सुभाष मार्केट में मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, सुभाष मार्केट की तस्वीरें हैं, जो शाम होते होते यहाँ पर जाम की समस्या आम हो जाती है। MCD का चुनाव है तो यहीं के दुकानदारों और लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि इस बार यहाँ क्या माहौल बनने वाला है। शुरुआत इधर से कर देते हैं, इस दुकान पर ग्राहक भी हैं और मालिक भी हैं, इन्हीं से शुरुआत कर देते हैं। आपसे कहते हैं, क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, यहाँ की अगर हम बात करें, MCD चुनाव है, नेता आपके घर आने शुरू हो गए हैं, कैसा माहौल चल रहा है MCD चुनाव में? माहौल बहुत बढ़िया है जी, और अच्छा ही रहता है हमारे यहाँ माहौल, पहले भी बढ़िया था, आज भी बढ़िया है। अच्छा, आप क्या क्या सुविधाएं देखना चाहिए? MCD चुनाव अगर हो जाते हैं, कोई भी कैंडिडेट आपका होता है, तो क्या सुविधाएं देखना चाहेंगे? तो बता दी यही साफ सफाई का काम है, हम किसी का वही देखना चाहेंगे। आप तक कैसी साफ सफाई रही है पाँच सालों में? पाँच सालों में भी बेहतर ही रही है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, कौन रहे हैं पार्षद इस बार? इस बार विजय कुमार पार्षद जी हैं जी, अभी तो आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से कार्यकाल बढ़िया रहा? कार्यकाल ठीक रहा उनका, साल भर का रहा ठीक रहा। चलिए, साल भर का कार्यकाल रहा ठीक रहा। और भी लोग हैं, इसमें बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि कैसा यहाँ माहौल रहने वाला है। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा मोहनलाल अग्रवाल। अग्रवाल जी, यहाँ मार्केट को लेकर आप लोगों का बहुत से दिमाग में होता होगा कि MCD जब यहाँ रहेगी, साफ सफाई के साथ जाम हटवाने की तमाम ऐसी चीज़ें रहेंगी, तो क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ जो इस बार हो जानी चाहिए? क्योंकि समय में समस्या हमारी होती है, सफाई तो हमारी ठीक चल रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमारे विजय कुमार जो आम आदमी पार्टी से हैं, उनका कार्यकाल भी ठीक रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीते, वो कम से कम हमारे हितों के बारे में सोचे। कई बार क्या होता है कि MCD भी हो, चाहे कोई भी सरकार होती है, वो हमेशा दुकानदार को दरकिनार कर देती है। जब सर बात देखा गया, इसलिए अपनी पार्टी से हो, कोई हमारे दुकान के बारे में कोई इस बात को कोई सोचता ही नहीं कि दुकानदार भी वोटर है, सिर्फ आम वोटर के लिए डिमांड करते हैं। हम दुकानदारों की समस्या ये होती है, जब भी कोई MCD का कोई भी दस्ता आता है, चाहे किसी पार्टी से आता है, लेकिन वो क्या करता है, हमें ही सबसे बड़ा टारगेट करता है। जैसे हमारा समाज बारह होता है, आम लोगों को नहीं कुछ कहेगा, कितने हमारे लोगों को ही टारगेट करता है, हमारा समाज डालेगा, हमारा मिसयूज करेगा, हमारे पास हमारे हाथ में पकड़ा देगा। बहुत तरह के टैक्स MCD लगा रखी है, हम चाहते हैं कि हमें एक टैक्स की अनुमति मिलनी चाहिए, एक टैक्स लगा दो हमारे ऊपर, किसी प्रकार का लगा दो, लेकिन इस प्रकार की बार बार की समस्याएं हमारे बहुत ज़्यादा अनुकूल। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आती हैं? बढ़िया, जैसे माने MCD का हमारे है, क्योंकि हम कर्मचार जमा करते हैं, उसके बाद हॉल टैक्स जमा करते हैं, सब कॉमर्स और 20 पूरा हवाला लिया जाता है, हमारी कोई सुनता नहीं है, इस प्रकार की समस्या हमारी। चालान काटने के चक्कर हमारी दुकानों में होते हैं हमेशा, मार्केट के अंदर वो बार बार चालान काटते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है DC का ऑर्डर है, हमें टारगेट पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उनका काम है सिर्फ चालान काटना और पैसे इकट्ठे करना। अच्छा, इस बार आप चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हो, कम से कम आपकी इस आवाज़ को जरूर, हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आता है, कम से कम औरों के बारे में सोचो, हमारे बारे में थोड़ा बहुत ध्यान दें। हम कभी ये नहीं कहते, हम स्वार्थी नहीं है, सरकार को हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, GST नंबर हमारे पास है, टैक्स भी देते हैं, उसके बाद हमारे को हमेशा दरकिनार ही रखा गया है। अच्छा, अगर बात करें अब मौजूदा जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, उम्मीदवार हैं, कि जो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मुझको टिकट मिल जाएगा, तो ऐसे आपने भी बहुत से लोग देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए? देखो, हमारे तो ये उम्मीद होती है कि हमारे पास जो कैंडिडेट आ रही है, पढ़ा लिखा और अच्छी पोस्ट में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें देखे उसकी बात करें, अनपढ़ गवार या कोई ने बोला तो वहाँ के बाहर को निर्णय चाहिए, पढ़ा लिखा हो, अच्छा समझदार हो, सबके हितों का ख्याल रखो। तो बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, ताकि बड़े आसानी से जो भी काम हो वो उनसे करा सके और उसको समझा सके। और भी मार्केट है, और भी लोगों के पास जाएंगे और जानते हैं कि यहाँ किस तरह का माहौल है। इनसे भी बात कर लेते हैं, आपके हिसाब से बताइए कैसे कैंडिडेट हो सकते हैं, किन का नाम लेना चाहते हैं? अच्छा, क्या खासियत लगी है उनके अब तक के एक समाज में रहे होंगे? बच्चों पढ़ाने में अच्छा है,
और पढ़ा लिखा बच्चा आएगा तो अच्छा रहेगा, पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए ताकि जो भी काम है वो आसानी से होता रहे। तो ये तमाम मार्केट में हम लोगों से बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि कैसा यहाँ जो है माहौल होना चाहिए। इस तरफ भी चलेंगे और यहाँ भी जानते हैं कि यहाँ माहौल जो है वाकई किस तरह का यहाँ होने वाला है, और क्योंकि यहाँ बाजारों की साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर लोगों का कहना है कि साफ़ सफाई बड़ी आसानी से हो रही है, लेकिन जो समस्या है तो वो यहाँ जो दुकानदार है वो टैक्स से परेशान है, चालान से परेशान है, उनके लिए तरफ से अलग अलग टैक्स और चालान इनको लगते रहते हैं, तो इन चीज़ों से ज़्यादा परेशान है। इधर चलते हैं यहाँ महिला जो दुकानदार है उनका चुनाव आ गए हैं, नेता वैसे भी सब आपके पास आ रहे होंगे, तो क्या क्या सुविधाएं इस बार देखना चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट जीते MCD आपके लिए क्या क्या काम करें? अच्छा ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने और दुकानदारों से बात की, उनका ये कहना था कि MCD वाले जो है अलग अलग तरीके के, एक तो टैक्स लगाते हैं और उसके बाद अलग अलग तरीके से चालान भी काटते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बताओ जी बताओ। अलग अलग एक टैक्स होना चाहिए। अच्छा आप दुकानदार हैं, देखते होंगे कि MCD वाले आते होंगे, आपको बताते होंगे कि भैया अब इसका टैक्स है, अब ये टैक्स है, और ये इस बात का चलान है, इस बात का चलान है, चलान बहुत कटते हैं, बेवजह परेशान करते हैं, तो चाहेंगे कि बदलाव हो, इसमें बदलाव हो, पढ़ा लिखा आदमी आए। चलिए देखिए, इनका कहना है कि पढ़ा लिखा आदमी होगा तो ये जो चीज़ है ये भी कम होगी, तो कुल मिलाकर ये सुभाष मार्केट में हम इस वक्त थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि यहाँ का कैसा माहौल रहने वाला है, क्योंकि चुनाव है तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ रहेगा, और अब इसके बाद हम अगले वार्ड में जाएंगे और वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि वहाँ वो किस तरह की सरकार चाहते हैं MCD को लेकर। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।